नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS News। विश्व हृदय दिवस पर गोष्ठी का आयोजन, हृदय रोगों से सचेत कर दी जानकारी। तंबाकू और आलस है हृदय रोगों की जड़, विश्व हृदय दिवस पर बोले डॉक्टर शायगान। बिलारी नगर के एकमात्र MD व हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शायगान ने बिलारी सिटी हॉस्पिटल में विश्व हृदय दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में हृदय रोगों से संबंधित रोगियों को हृदय रोग होने के कारणों की जानकारी देते हुए MBBS MD डॉक्टर शायगान ने कहा कि हृदय रोगों के यूं तो बहुत से कारण हैं, पर यदि हम कुछ कारणों पर ध्यान दें तो इन रोगों से बचाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमें हृदय रोगों की ओर ले जाता है, अतः इसे आज ही छोड़ने का प्रयास करें। बताया कि जो व्यक्ति अपने शरीर को 30 मिनट का व्यायाम देगा या पैदल चलेगा तो ऐसा व्यक्ति भी हृदय रोगों से बचा रहेगा। कहा कि आलस, मोटापा भी हमें हृदय रोगी बनाता है। डॉक्टर शायगान ने बताया कि जो लोग रक्तचाप के रोगी हैं, ऐसे लोग निरंतर डॉक्टर की सलाह लेते रहे व अपने रक्तचाप की जाँच कराते रहें, जिससे किसी भी तरह का आकस्मिक स्ट्रोक या हार्ट अटैक से बचाव हो सके और तनाव की स्थिति में भी अपना विशेष ख्याल रखें व डाइट चार्ट के अनुसार खान पान करें। अनावश्यक और हृदय रोगों को बढ़ावा देने वाले खाने जैसे अत्यधिक चर्बी, तला भुना खाना, जंक फूड, शराब का अधिक सेवन इत्यादि चीजों से बचें। जैसा कि आप सब लोग नहीं जानते हैं, मैं डॉक्टर मोहम्मद शायगान MBBS। आज जो कि है तो 30 सितंबर, लेकिन प्रत्येक वर्ष की 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस होता है। कौन सा? विश्व हृदय दिवस। अब आप हम सब जानते हैं कि हृदय यानी कि दिल हमारे जिंदगी का और हमारे जीवन का मूल आधार है, क्योंकि दिल चल रहा है तो सब जानते हैं सब जिंदा है, दिल रुक गया तो सब जानते हैं मर गया। यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गन है हमारे जिस्म का, ऐसा अंग है कि जिसको हम जीवन से जोड़ते हैं कि भाई दिल चल रहा है, तब जब तक दिल और सांसें चल नहीं है तब तक जो है जिंदगी की बैकडोर है, और इसके बंद होते ही जिंदगी की बैकडोर खत्म। इसी प्रकार से हम लोग कई प्रकार के दिवस मनाते हैं। ये दिवस मनाने का जो मकसद है वो ये है कि हम इन बीमारियों को अगर हैं तो कैसे काबू करें, और जिसको नहीं है तो उसकी रोकथाम कैसे करें। अब हृदय आपने देखा होगा, जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर पीढ़ी है वो देख रही होगी कि पहले के उपरांत अब हृदय की बीमारियां बहुत जल्दी मिलने लगी। अब कम उम्र के लड़के लड़कियां और अधेड़ उम्र के मर्दों और औरतों में भी दिल की बीमारियां होती, जबकि पहले 60-65 बरस के बाद ये दिल की बीमारियां हुआ करती और अब भी बहुत जल्दी होने लगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी जीवन शैली और जिस प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं या अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक कारण है कि हमारे हृदय की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हम लोगों को सबको पता है कि हम लोगों के पास संसाधन कम है। जब संसाधन कम है तो इलाज पे इतना खर्च नहीं कर सकते, और जब इलाज पे इतना खर्च नहीं कर सकते तो सबसे क्या कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और रोकथाम वही आदमी करता है जो इनके बारे में समझ रखता हो या कुछ जानता हो कि इसको कैसे रोका जा सकता है। कुछ कुछ खास बातें हैं जिनका हम अपने जीवन में अगर ध्यान रखें तो हम इस दिल की बीमारियों को थोड़ा कम कर सकते हैं या इसकी गति को रोक सकते हैं, अगर बहुत अच्छी तरीके से वो करेंगे। उसमें से क्या कि जिन चीजों का हम ऐसा सेवन करते हैं जिससे हमें हृदय रोग होने का ज्यादा खतरा है, उसको फौरन रोक दें या अपने घर वालों को समझाएं कि उसको ना करें। जैसे कि धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, तेज नमक, ज्यादा